भारत 2023 में G20 देशों के कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में कराने की योजना बना रहा है। भारत के इस विचार पर दो देशों को मिर्ची लग गई है। पहले पाकिस्तान ने विरोध के राग अलापे, तो अब चीन भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर विरोध कर रहा है। इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने बयान दिया है। झाओ ने कहा कि हमने ताजा घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। कश्मीर पर चीन का रुख सतत और बिल्कुल स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय सहमतियों के अनुरूप इसका उचित समाधान निकालना चाहिए। झाओ लीजियान ने कहा है कि संबंधित पक्षों को एक पक्षीय कदम के साथ हालात को जटिल बनाने से बचना चाहिए। हमें बातचीत और संवाद से विवादों का समाधान करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कायम रहे। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। इस प्रासंगिक मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचे और वैश्विक आर्थिक शासन को सुधारने के लिए सकारात्मक योगदान दे। बता दें कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान पहले ही घड़ियाली आंसू बहा चुका है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद ने भारतीय मीडिया में आई उन खबरों का संज्ञान लिया है, जिनसे संकेत मिलता है कि भारत G20 से संबंधित कुछ बैठक जम्मू कश्मीर में कराने पर विचार कर सकता है। भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को पाकिस्तान पूरी तरह नकारता है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत की किसी योजना पर चीन और पाकिस्तान ने राग अलापा है। इससे पहले भी दोनों समय समय पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं।